फिर हमें एक WCRU का जो कीमत है सो 1250 यूएस डॉलर के रूप में प्राप्त होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कंपनी है उसके अपने कुछ लक्ष्य होते हैं जो उसे पूरे करने होते हैं, तो एक जो लक्ष्य है कंपनी का सो ये है कि 2028 तक जो पोर्टफोलियो का मूल्य है वो लगभग 100 ट्रिलियन डॉलर तक होना चाहिए, यानी 12 शून्य बहुत बड़ी संख्या फिलहाल ये दिख रही है लेकिन ये है नहीं। और अगर मान लीजिए हम 2028 तक अगर इस संख्या तक अपनी पहुंच बना लेते हैं, अगर हम उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं तब हम इस राशि को जो कि पोर्टफोलियो में है जो कि 100 ट्रिलियन है इसको लेके विभाजित करेंगे जिस संख्या में टोकन जारी किए गए हैं जो कि 80 बिलियन है, और फिर हमें एक WCRU का जो कीमत है सो 1250 यूएस डॉलर के रूप में प्राप्त होगी। तो क्योंकि जो मूल्य है पोर्टफोलियो का यानी कि जो बाजार का मूल्य है वो 100 मिलियन है लेकिन जो निवेश मूल्यांकन है वो 11 बिलियन से भी ज्यादा है, और जो मूल्य है जो कीमत है सिक्योरिटी टोकन का वो सीधे तरीके से संबंधित है उस मूल्य के साथ जो कि कंपनी का मूल्य होगा जो भी निवेश पोर्टफोलियो के अंतर्गत आती हैं। तो आइए एक विशिष्ट उदाहरण से इस बात को समझें। हम देखते हैं कि अलग अलग जो कंपनियां अलग अलग प्रकार के लाभ देता है, हम उन सभी लाभों को एकजुट करते हैं और हमें क्या मिलता है 100%। तो अगर जो पोर्टफोलियो है अगर उसका मूल्य 100 ट्रिलियन डॉलर का होता है तो हमें ये मोटा माटी रूप से समझना चाहिए कि अगर एक पोर्टफोलियो है जिसमें 100 ट्रिलियन डॉलर की जो कि मूल्य रखता है तो अगर 1% जो है कुल मासिक लाभ का लिया जाए तो ये 1 ट्रिलियन डॉलर होता है, यानी सभी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर जितनी भी कंपनियां आती हैं उसका अगर 1% को हम ले रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि इस राशि में से सभी वोटर ये चुनते हैं कि मेरे को इस माह में हमें 15% चाहिए इसके लाभ के रूप में, तो अब हम गणना करते हैं 1 ट्रिलियन का 15% क्या होता है, वो 150 यानी 150 बिलियन डॉलर बनता है, और इसको हम विभाजित करते हैं 80 बिलियन जो कि WCRU टोकन जो जारी हो रखे हैं बाजार में इस राशि से, तो हमें कितना मिलता है 1.875 यूएस डॉलर, और ये एक टोकन का मूल्य होगा। मान लीजिए अगर आपके पास 1000 WCRU टोकन है तो ऐसे में ये जो संख्या है टोकन की अगर हम साथ में ये कोफिशिएंट को भी देख लें तो ये आपको 1875 यूएस डॉलर के हिसाब से आपको ये मूल्य देगा एक WCRU टोकन का। तो जब मैंने आपको ये कहा था कि मेरा एक सपना है, बल्कि मैं कहूँ तो सपना भी नहीं कहूँगी इसे, लेकिन जब मैंने ये सुना कि मैं सहमालिक हो सकती हूँ WCRU सुरक्षा टोकन के धारक होने के लिए, जैसे ही मुझे ये बात पता चली मैं बस तुरंत शामिल हो गई। क्योंकि अगर आपका भी ये लक्ष्य है कि आप अपने लिए निष्क्रिय आय का निर्माण करें, वित्तीय रूप से साक्षर हो, तो ये आप ही का मौका है। और क्या आज हमारे साथ इस प्रकार के ऐसे लोग हैं जो अपने वित्तीय जो निष्क्रिय आय है अगर उन्हें उससे सरोकार है उस, और अगर वो भी अपने लिए एक निष्क्रिय आय का निर्माण करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे चैट के अंदर आप ज़रूर हाँ लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, और अलग अलग चैट का तो यहाँ पर हम लोग WCRU के जो सहमालिकाना जो बात है उसकी बात कर रहे हैं, और जितना पोर्टफोलियो का मूल्य होगा उसी हिसाब से हमारे टोकन की जो मूल्य बाजारी मूल्य है वो भी बढ़ेगा। और जिन लोगों के पास ये सपना है जो ये चाहते हैं कि एक अच्छी जीवन शैली यात्राएं या फिर उदाहरण के तौर पर आप अगर कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है और आप उससे कुछ कमा नहीं सकते,
तो मुझे लगता है कि डब्ल्यू क्रू एक अच्छी टोकन की निवेश रणनीति हो सकती है, और इसीलिए ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर, ये आपकी भी जीवन शैली हो सकती है। तो आप अपना यथोचित परिश्रम कीजिए, ड्यू डिलिजेंस कीजिए, और उसके बाद आप अपने आप को तैयार करेंगे उस सफर के लिए जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता दिलाएगा। तो सारांश में हम आप देखते हैं कि WCRU जो टोकन है वो किस प्रकार की आय देता है, और हम लोगों ने उसकी अलग अलग श्रेणियां आपको बताई हैं। पहला UNTV टोकन्स, दूसरा आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है जो कि टोकन धारकों को मिलेगा, तीसरा प्रॉफिट बोनस जो कि जब तक आपको मिलेगा जब तक निवेश पोर्टफोलियो रहेगा, और एक और जो विकल्प है वो ये है कि उस टोकन के का आंतरिक मूल्य जो बढ़ जाएगा, यानी कि हम पूंजीकरण की बात कर रहे हैं, तो ये भविष्य में ऊपर ही जाएगा।